पठानकोट में दो दिन लगातार धूप के बाद आज फिर से मौसम ने करवट ले ली है। सुबह से ही बादल छाए रहे और दोपहर में बारिश शुरू हो गई है। बूंदाबांदी के कारण एक बार फिर से तापमान में बदलाव देखने को मिला। ठंड में बढ़ोतरी हुई, जिसके चलते लोग सड़क किनारे आग का सहारा लेकर ठंड कम करने की कोशिश करते हुए नजर आए। तीन चार दिन पहले बड़ी अच्छी धूप निकली थी, सारे लुत्फ उठा रहे थे धूप का, मगर आज जो सुबह सुबह बूंदाबांदी प्रारंभ हुई है, शुरू हुई है जो बारिश, तो इससे दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अगर बड़ा ज़रूरी, अगर निकलना तो नहीं चाहिए वैसे बिना काम के घर से, अगर फिर भी निकलना पड़े तो अपने आप को ढक के रखे, गर्म वस्त्रों का सहारा ले, अग्नि का सहारा ले, ताकि अपना शरीर बचा रहे, बीमारियों से हम बच सकें। जी मौसम की एक शुरुआत है, कैसी बरसात का होना, फसलों के बेहतरी वैसे भी अच्छा है, पहाड़ों के बर्फा पैन गई, गर्मियों के भी सू बर्फा पानी पुनी ठीक मिल जाएगा, उपलब्ध हो जाएगा। पर कई बार मन में लगता वै भुलेखा लगता कि दो दिन की जी धुप खिली सी, तो मौसम ने करवट बदल ली है, गर्मी आ गई है, तो असी उस हिसाब न ही अपना उत्साह उल्लास दिखा लग पे। पर नाल ही जिस तरह मौसम करवट बदलता, ठंड आती है तो शरीर में जकड़ लगता मौसम। मेरी तो सारे अगे बेनती है कि अपना बचाव करके ही अपने दिन का सर का सिलसिला निभाओ, तो उस तरीके चलो, क्योंकि वैदर फोरकास्टिंग तो अजकल हर एक को मोबाइल आ, मोबाइलों के इंटरनेट के जरिए वेख लेंगे ने कि मौसम कि आने वाला मौसम कि, उस अनुसार अपना वर्ताव करो, अपने आप को कज के रखो, तो बाजारों के भी इस कारोबार थोड़ी रौनक रहेगी, तो जरा गर्म कपड़े ने वो ठीक बिक जाएंगे, स्टॉक क्लीयर हो जाएगा, ता ही अगले वाल सिलसिला चलेगा। बाकी ये मौसम फसलों वास्ते भी अच्छा है, अपना बचाव करके चलना। 9540601113।